नमस्कार निश्चल वास्तु में आपका स्वागत है। और 2023 सैजिटेरियस साइन के लिए क्या लेके आया है उसकी प्रेडिक्शन मैं करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट 4 मंथ्स जनवरी टू अप्रैल कैसे रहने वाले हैं आपके लिए? बहुत स्किल्ड टैलेंटेड रहने वाले हैं आप। एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन के रूप में सामने आएंगे आप। जो भी काम करेंगे उसमें विक्ट्री है। पावरफुल रहने वाले हैं। पावर रहेगा आपके पास, अथॉरिटी रहेगी। आप इन 4 महीनों में जो भी करना चाहते हैं आप करिए, इनिशिएटिव लीजिए चीज़ों को करने की, और एक लीडर की तरह चीज़ों को लीड कीजिए। आपकी पोजीशन भी बहुत अच्छी रहने वाली है। जिस भी पोजीशन पे आप हैं प्रोस्पैरिटी दिखती है। प्रोस्पैरिटी जो अब इसमें हम वर्ड यूज़ करें तो प्रोस्पैरिटी इज़ इन अबंडेंस। और नॉलेजेबल पर्सन रहने वाले हैं आप। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स रहने वाली हैं आपकी। आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहने वाली है। विल पावर बहुत स्ट्रांग रहेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस मेंटेन होगा जिससे। और डिवाइन ब्लेसिंग्स सबसे बड़ी बात आपके साथ हैं। तो आप में ग्रेट पोटेंशियल रहने वाला है। इन 4 महीनों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा। और गाइडेंस इन 4 महीनों के लिए मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड मैजिक इज एट योर फिंगर टिप्स। सेकेंड जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि एक्सपैंड योर स्किल्स थ्रू कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। आपने एक्सपैंड करना है अपने स्किल्स को विद कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज अ मस्ट। नेक्स्ट जो मिड के इस साल के 4 महीने हैं, मई टू अगस्त, वो कैसा रहने वाला है? केयरलेस हो जाएंगे क्योंकि अब बहुत सब चीज़ें अच्छी अच्छी हो गई हैं। तो यहाँ पे आके थोड़े से केयरलेस हो जाएंगे। केयरलेस होने की वजह से ऐसी गलतियाँ कर देंगे जो आप के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। थोड़े से फुलिश डिसीजंस ले सकते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। तो थोड़ा सा बिहेवियर भी चेंज होगा, रेकलेस बिहेवियर हो जाएगा। रैश डिसीजन लेना स्टार्ट कर देंगे। थोड़े से इमेच्योरिटी के साथ डिसीजन लेंगे जो आपके डिसीजंस रॉन्ग साबित होंगे। इमोशनल सेटबैक आपको लग सकता है। गाड़ी चलाते वक्त बहुत ध्यान रखना है। इन 4 महीनों में आप कोई भी इम्पोर्टेंट काम ना करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है क्योंकि इन 4 महीनों में मुझे लैक ऑफ डायरेक्शन भी दिख रहा है। धोखा होने के चांसेस भी हैं। आपको अलर्ट होके केयरफुल होके काम करना है। आप अगर अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपका डिमोशन भी हो सकता है। किसी पर भी आपने ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। और आप रिस्क लेने से जितना अपने आप को बचा सकें बचाइएगा। आपने इन 4 महीनों में कोई रिस्क वाला काम नहीं करना है। और जो गाइडेंस है इन 4 महीनों के लिए वो मेरी तरफ से है कि अवॉइड टेकिंग एनी डिसीजन। आपने इन 4 महीनों में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। और अगर कुछ भी काम करना है तो वो सोच समझ कर करना है। आप सितंबर टू दिसंबर इन 4 महीनों में कैसा रहने वाला है? जब आप इन 4 महीनों में केयरफुली चल लेंगे तो अगेन यू विल कम इन टू द पावर। आप अगेन पावर में आएंगे और एक्सपीरियंस्ड, आपको जो एक्सपीरियंस आप गेन कर चुके हैं और जो आप इस वक्त काम भी कर रहे हैं उसमें आप मोर एक्सपीरियंस्ड होके उभर के आएंगे। लॉजिकल अप्रोच रहने वाली है आपकी और थॉट्स में क्लैरिटी भी आएगी। मैच्योरिटी रहेगी डिसीजंस में और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स रहने वाली हैं। तो आपने चीज़ों को करते हुए इन 4 महीनों में अपने दिल और दिमाग को स्टेबल होके डिसीजन लेने हैं। तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो इन्जॉय कीजिए आप सेजिटेरियस इस ईयर को। थैंक यू सो मच। आप वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।